हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं रोबोट्स के थ्रू या एक्सपर्ट एडवाइजर्स के थ्रू। एक्सपर्ट एडवाइजर का एडवांस वर्जन रोबोट होता है, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइजर जैसे कि कहता है कि एक्सपर्ट एडवाइजर यानी जो अच्छा आपको सही एडवाइस करे उसको एक्सपर्ट एडवाइजर कहते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनको हम एक्सपर्ट एडवाइजर या ईए के कैटेगरी में ले लेते हैं, बट फॉरेक्स रोबोट वो होते हैं जो कि इंडिकेटर्स या फिर जो एडवाइजर को फॉलो करते हैं प्लस वो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको ईश्वर करे कि ये नया साल आपके लिए बहुत ही स्वस्थ और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर करे आपकी सही मनोकामना इस वर्ष पूरी हो। तो आज हम नए रोबोट के बारे में रिव्यू करेंगे, ट्रेड विनिंग मास्टर, इसको हम शॉर्ट में TWM भी कह सकते हैं। इससे पहले मैं दोस्तों आपसे दो तीन बातें आपको बोलना चाहता हूं। प्लीज फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको आप ATM मशीन की तरह ना समझें कि इसमें आप पैसे डालेंगे और आपको पैसे तुरंत निकल आएंगे। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, 98% लोग पैसे लूज करते हैं, 98% लोग पैसे लूज करते हैं। और दूसरी बात, जब आप मेरे को कम्युनिकेट करते हैं ईमेल में या फिर टेलीग्राम में, मैंने कहीं आपको ये नहीं बोला है कि 50-60% या 100% रिटर्न आपको मिलेगा ही। मैं आपको रिटर्न शो करता हूँ एक्सट्रीमली रिस्की कंडीशन पे, जिसमें वो 100% भी कर देता है, 200% भी कर देता है। अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं तभी उतना एक्सपेक्ट करें, लेकिन फॉरेक्स नहीं। तो फिर आप मेरे को, आप सिर्फ एक सिंपल सी चीज बताइए, क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट भी है जिसमें आप सिर्फ 1% का भी रिटर्न आपको हर महीने मिलता है? कोई एक इन्वेस्टमेंट बता दीजिए, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, कुछ भी जिसमें आपको 1% भी रिटर्न आपको कंफर्म मिलता है। तो फिर आप क्यों 50-60% 70% 100% 200% एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आप लूज नहीं कर सकते तो आप उतना अर्न नहीं कर सकते। अर्न वही करता है जिसके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, या फिर आप सेफली अर्न करो। फॉरेक्स के कंसेप्ट को समझो, आप डेमो अकाउंट में एक महीना ट्रेडिंग करो, आप खुद ट्रेडिंग करो और फिर बताना कि ना आपने कितने पैसे कमा लिए। इसीलिए एक्सपेक्टेशन अपनी रीजनेबल रखें, ठीक है? और जो भी मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं, चाहे वो डेमो पे हो चाहे रियल पे हो, लेकिन वो लाइव अकाउंट होते हैं। आप ये मत सोचो कि मैं अपना लाइव अकाउंट क्यों नहीं दिखा रहा, या उससे कोई मतलब नहीं है आपको। मैं आपको जो भी दिखा रहा हूं लाइव अकाउंट दिखा रहा हूं, भले वो डेमो हो चाहे रियल हो। मैंने कितने पैसे कमाए, मैंने कितने पैसे डिपॉजिट किए, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ रियल दिखा रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। मैं बैक टेस्टिंग नहीं करता हूँ और मैं स्ट्रेटजी टेस्टिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि बैक टेस्टिंग और स्ट्रेटजी टेस्टिंग वहां पे ठीक है जहां पे नॉर्मल मार्केट कंडीशंस है। क्या आप बता सकते हैं कि एक साल पहले कोरोना था? क्या आपको ये पता था कि एक साल पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे US में? क्या आप ये बता सकते हैं कि इतनी इकोनॉमी जो आज की जो सिचुएशन है, क्या वो सिचुएशन एक साल पहले थी? तो कैसे आप बैक टेस्टिंग करके आप आज की कंडीशन का पता लगा सकते हैं? मैं बैक टेस्टिंग नहीं करता हूं, मैं स्ट्रेटजी टेस्टिंग नहीं करता हूं, मैं टेस्टिंग करता हूं आज की करंट कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है रोबोट, और वो भी रिस्की कंडीशन पे। अगर रिस्की कंडीशन पे अच्छा परफॉर्म करता है तो वो नॉर्मल कंडीशन, अगर मैं नॉर्मल सेटिंग करता हूं तो वो ठीक काम करेगा। ये मेरा सोचना है। अब वो काम करता है नहीं करता है दोस्तों, मार्केट, फॉरेक्स मार्केट ना मैंने ड्राइव करना है ना रोबोट ड्राइव करता है, फॉरेक्स मार्केट अपने आप ड्राइव होता है, ठीक है? और अगर किसी को पता हो कि हाँ ये इसी डायरेक्शन में जाएगी तो फिर सारे लोग अरबपति बन जाएंगे। फॉरेक्स रोबोट इसलिए क्योंकि वो एक तरह से आपकी ट्रेडिंग को आसान कर देता है। जो ट्रेडिंग या फिर जहां पे आपको लॉट लगाना है, जहां पे आपको लॉट क्लोज करना है, और जहां पे आपको मल्टीप्लायर करना है, तो रोबोट बेहतर काम कर लेता है अगर आप सही रोबोट का चुनाव करते हैं, ठीक है? तो आज हम ट्रेड विनिंग मास्टर के बारे में बात करेंगे, TWM कह सकते हैं उसको। ये सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, सेल लिमिट्स और बाय लिमिट का यूज करता है, प्लस इंडिकेटर का यूज करता है, उसके बाद ट्रेड ओपन करता है अगर वो कंडीशंस मीट होती हैं तो, ठीक है? वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप $1,000 से कम पे कोई भी रोबोट आप करें। $600 वैसे मैं बोलता था, लेकिन मैं रिकमेंड तो 1,000 ही करता हूं। लेकिन ये वाला रोबोट है, आप 0.01 लॉट पे, आप 500, 550 या $600 पे आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 100 USD सेंट अकाउंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधे आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं दोस्तों। देखिए, यह है ट्रेड विनिंग मास्टर, और हमने हमने
$1,000 से स्टार्ट किया था 16 नवंबर को। आपको मालूम है कि नवंबर 16 नवंबर ऑलमोस्ट आधा महीने से ज़्यादा हो गया। उसके बाद फिर यूएस में थैंक्सगिविंग डे हुआ, उसके बाद फिर आपका दिसंबर में क्रिसमस, बहुत सारे तो हॉलीडेज बहुत सारे हो गए इसमें। तो ऑलमोस्ट आज अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे मेरी डेट देख सकते हैं, 8 जनवरी आज की डेट है, टाइमिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पैसिफिक टाइमिंग दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इंडिया टाइमिंग के हिसाब से देखें तो करीब साढ़े मतलब आप इसमें 3 घंटे जोड़ दें, ठीक है। तो क्योंकि मैं VPS यूज़ कर रहा हूँ तो VPS का वो टाइमिंग दिखा रहा है, लेकिन आप डेट तो देख ही सकते हैं आप। और आज NFP भी था, तो इसने दिसंबर का भी NFP क्रॉस किया है, जनवरी का भी NFP क्रॉस किया है ना। तो मैं सारे रोबोट जो आपके सामने लेके आता हूँ वो NFP, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, सब कुछ जो सही होते हैं, मतलब जो उन सब में अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्टेबल परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, सिर्फ वही रोबोट। क्योंकि इसकी टेस्टिंग मैं ऑलरेडी 3-4 महीने पहले कर चुका था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नया रोबोट क्या लाना है, तो और ये वाला रोबोट मैं दोबारा से, मैंने नवंबर में इसको रन किया था, मैंने सोचा कि चलिए यही आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरे से आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं बिल्कुल नए नए रोबोट आपके सामने लेके आता रहूँगा, क्योंकि नए रोबोट लाना आसान है, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी को चेक करने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। मैं सिर्फ रोबोट वही लेके आता हूँ जो मेरी टेस्टिंग में, 4-5 महीने की टेस्टिंग में कंसिस्टेंट उतरते हैं, खरे उतरते हैं। नहीं तो ऐसे रोबोट मैं अपलोड करने लग जाऊँ तो दोस्तों साल भर भी कम पड़ेगा। अगर मैं डेली एक रोबोट भी अपलोड करूंगा ना तो मुझे 2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन मैं वो मेरा इंटेंशन नहीं है और ना ही वो आप चाहते होंगे, क्योंकि वो क्योंकि अगर मैं मेरे को वही करना होगा तो इसमें फिर आपका भी कोई फायदा नहीं है। आपका आपके लिए मैं इतनी सारी रोबोट में से कोई एक रोबोट छांट के लाता हूँ ताकि आप उसके ऊपर भरोसा कर सकें एटलीस्ट। और आप देख सकते हैं कि मैं जो भी करता हूँ करंट मार्केट कंडीशन में कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है वो ही करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से मैंने आपको एक एक ट्रेड दिखाई है, इसमें मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है और मैं सभी रोबोट या फिर सभी रिजल्ट में आपको ऐसे ही शो करता हूँ। मैं कहीं पर भी कुछ भी आपको छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि जो है सामने है आपके, आप देख सकते हैं। और इसी में फिर आपको भी देखना होगा कि आपके लिए कौन सा रोबोट ठीक रहे आपके लिए, ठीक। मैं फिर भी आपसे कहता हूँ फॉरेक्स मार्केट में 98% लोग पैसा लूज करते हैं, तो आप इसको ATM मशीन ना समझे दोस्तों, ठीक है। और सेफली करें, सेफली ट्रेडिंग करें, अकाउंट बैलेंस अपना अच्छा रखें। अकाउंट बैलेंस आप स्ट्रांग रखेंगे और एक अच्छा रोबोट यूज करेंगे तो कम से कम वो ह्यूमन एफर्ट से ज्यादा अच्छा ट्रेड करता है। मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको या तो फॉरेक्स में बिल्कुल अभी एकदम एंटर ही हुए हैं या फिर कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है लेकिन उतने कॉन्फिडेंट नहीं है ट्रेडिंग के लिए, और न ही मतलब उतना सेफ फील करते हैं कि मैं सही ट्रेड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है या फिर उतनी ट्रेडिंग नॉलेज वो लोग गेन नहीं कर पाए हैं या फिर उनके पास इतना समय नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हम ऑलमोस्ट हम आने वाले हैं, तो दोस्तों सही बैलेंस के साथ आप ट्रेडिंग करें। और प्लीज मेरे से आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको मिसगाइड करके बोलूंगा कि $200-$300 से कर लो। दोस्तों मैं अभी भी आपसे कहता हूं आप 600 मतलब ये वाला आप 500-600 से कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रोबोट आप $1,000 से कम पे ना करें ट्रेड। आपको मेरे से रोबोट लेना है नहीं लेना है वो ओके है, लेकिन मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता। $1,000 से कम पे आप कोई भी रोबोट के साथ ट्रेड ना करें। नहीं कर सकते तो आप भले ही आप सेंट अकाउंट से ट्रेडिंग करें वो ठीक है, लेकिन आप कम पे करेंगे तो 99% चांसेस हैं कि आप जल्दी लूज कर देंगे। बाकी फॉरेक्स रोबोट या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो देखिए दोस्तों, 1,000 डिपॉजिट करने के बाद हमने 1421 का हमने प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर लिया है। और ये मेरी सिर्फ देखिए ये 2 या 3 ट्रेड ही चल रही हैं, आप देख रहे हैं कोई मार्टिंगेल नहीं है, कोई हेज नहीं है, कोई ग्रिड नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2-3 ट्रेड ओपन है। दोस्तों अगर आप इस रोबोट में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं enjoywealthylife@gmail.com या फिर मेरे साथ टेलीग्राम के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम DPNTFX। दोस्तों मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे रोबोट अपलोड किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा विजिट कीजिए और प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट होइए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा से नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद।